हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास ये फराटा पेन है और यहाँ पे ये कॉइल डैमेज हुआ है। देखिए कॉइल यहाँ पे सोल्डिंग किया गया है और यहाँ से कॉइल भी डिस्कनेक्ट है और यहाँ पे कॉइल प्रॉब्लम है, मतलब कॉइल शॉर्ट हुआ है। और ये बहुत मैं ढूंढा, इसे नहीं मिला कहाँ पे शॉर्ट हुआ है। तो इसको क्या करना है, हमको रिप्लेस करना है, चेंज करना है। तो यहाँ से देखिए ये सोल्डिंग किया गया है, यहाँ से शॉर्ट किया गया है सब। ओके, तो ये दिक्कत है, तो इसको हमको चेंज करना है और एक नया वाला कॉइल, ये देखिए ये नया वाला कॉइल है, इसको हमको इसमें लगाना है। तो कैसे लगाते हैं, कैसे इसका प्रॉपर फिटिंग होता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। और ये इसमें बूस्ट भी लगाने वाला हूँ, इसमें बूस्ट भी खोला गया है, मैंने नहीं खोला हूँ, कस्टमर खोल के लगाया है। कस्टमर पहले चेक करके देख रहा था कि खुद कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उसके बस की बात नहीं है, हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या इसको प्रोसेसिंग रहता है, कैसे हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसको साइड को हमको रखना है, ये बाद में हमारा काम आएगा जब हम फिटिंग करेंगे। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि इसको हमको खोलना है। ओके, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमारा कैपेसिटर पॉइंट रहता है दोनों, तो यहाँ से मैं कंटिन्यूटी चेक करूँगा। ओके, तो इसको हमको भाइस में पकड़ना है और ऊपर से हमको पीटना है। तो यहाँ से हमारा कॉइल, ये पुराना कॉइल निकल चुका है, अभी हम इसमें नया वाला कॉइल यूज़ करेंगे, नया वाला कॉइल लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं मार्क इसलिए किया हूँ, जब हम नया वाला कॉइल लगाएंगे तो आपको यहाँ पे जानकारी दिख जाएगा कि ये जो होल है, ओके, तो ये जो चार ठो होल है तो प्रॉपर तरीके से इसमें बैठना चाहिए। तो आपको पता करने के लिए मैं इसलिए इसमें दो चार ठो मार्किंग लगाया हूँ, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि अगर इसको आप बैंड लगा लोगे तो ये आपका जो जाली रहता है वो बैंड हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हमको ऐसे ही इसको लगाना है। तो ये देखिए, ये मार्क में किया हूँ, तो ये मार्क में रहना चाहिए। ऐसे नॉर्मली आप ऐसे बिठा भी सकते हो, बट आपके जानकारी के लिए मैं इसमें मार्क किया हूँ। तो ऐसे सैनी लेना पड़ेगा आपको, ताकि अगर पॉइंट वाला यूज करोगे, जैसे कि ऐसे अगर आप यूज करोगे तो इस पॉइंट को पीटोगे तो पर्टिकुलर एक पॉइंट वो थोड़ा बेंड होता है, बट आप ऐसे इसको यूज करोगे कि कटेगा नहीं, इसको यूज करोगे थोड़ा फ्लैट में रहता है तो पूरा साथ में इस तरफ पूरा सेट होकर चला जाएगा। तो इसलिए मैं ये यूज करता हूँ, ऐसे आपको रखना है, इसको पीटना है धीरे धीरे जब तक ये सेट ना हो, थोड़ा धीरे धीरे आपको फिटिंग करना है इसको। कहीं भी अगर ज़्यादा बीट है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके, तो यहाँ से पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बिट चुका है, कोई और इशू नहीं है इसमें। ओके, हमारा यहाँ पे ये बिट गया है, ये देखिए। ओके, तो ये दोनों हमारा निकल गया है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी चेक करूँगा। बिल्कुल सही से हो रहा है, बिल्कुल सही से हो रहा है, और यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो रहा है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ से हमारा ये फिटिंग हो गया, अभी हम इसमें बूस्ट फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बूस्ट हम इसमें लगा लेते हैं, बूस्ट यहाँ पे देखिए 198 का MSP का बूस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको हमको लगाना है ऐसे, और इसमें आपको ऑयल जरूरी है, ऑयल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बहुत लोग इसमें ऑयल नहीं देते हैं, मैं आपको देना पड़ेगा इसमें ऑयल, प्रॉपर तरीके से फिटिंग होगी। ज़्यादा ऑयल मत दीजिएगा, जाम हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। और ये रिपीट गॉन है, मैं इसमें रिपीट यूज़ करूँगा, रिपीट लगाऊंगा, ये रिपीट है। ओके, तो ये हमारा ये रिपीट है और ये रिपीट गॉन है, तो यहाँ पे मैं रिपीट लगाऊंगा, ये जरूरी है, आप रिपीट यूज़ कीजिएगा। तो ये होल में हमारा ये लगेगा और इसको ऐसे हमको पकड़ना है और इसको उल्टा करना है, यहाँ से हमको रिपीट करना है। तो यहाँ पे एक रिपीट लग चुका है, दूसरी रिपीट हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे देखिए ये स्क्रू सिस्टम हुआ, ये प्रॉपर काम नहीं है, ये स्क्रू सिस्टम मत कीजिएगा। ये मैंने नहीं किया हूँ, किसी और दुकान पे ये किया गया था, वो सोचा था कि कॉइल सही होगा, ये बूस्ट
चेक कर रहा था, जब ये देखा कि बूस्ट भी चेंज करना है प्लस कॉइल भी चेंज करना है, ये महंगा भी हो रहा है और कस्टमर को बोला कि ये नहीं हो पाएगा, फिर ये मेरे पास ले आया था। मैं सिर्फ इसमें और इसमें एक रिपीट यूज किया हूँ, बाकी ये सही से फिटिंग किया था तो इसलिए मैं इसको नहीं खोला। बट ये अगर चलो इसको मैं खोल के दोबारा इसमें रिपीट भी सिस्टम कर लूँगा, इसको मैं खोलना पड़ेगा क्योंकि ये सही काम नहीं है। आप ऐसे रिपीट यूज कीजिए, ये जैसा नया जैसे परफेक्ट काम होता है ओरिजिनल जैसे कंपनी से आता है वो ऐसे काम होगा। आप इसमें उसको सिस्टम मत कीजिए, कभी कभी वो ढीला हो जाता है तो इसलिए बहुत जल्दी बूस्ट खराब होता है। अगर आपको ये रिपीट गाउन भी चाहिए मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे पूरा रिपीट हमारा फिटिंग हो चुका है, पूरा प्रॉपर तरीके से इसको फिटिंग कर चुका हूँ और यहाँ पे मैं ये जो स्क्रू लगाया गया है इसको हमको इसको खोलना है फिर इसमें रिपीट लगाऊंगा। ये दोनों हमारा फिटिंग हो चुका है, देखिए कितना अच्छा तरीके से ये फिटिंग हो गया। इसमें भी MSP भी बहुत यूज किया गया है और इसमें भी मैंने इसको कर चुका हूं और दोनों को हमको इसमें रेडी हो गया, हम इसको फिटिंग करेंगे। उससे पहले दोस्तों शाफ्ट भी चेंज कीजिए, जरूर शाफ्ट चेंज कीजिए, यहाँ पे शाफ्ट डैमेज होता है, ये देखिए शाफ्ट भी डैमेज हुआ है। अगर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से स्पीड चाहिए तो शाफ्ट को भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं शाफ्ट को चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ से हम पीछे से कितना इंच है वो हम चेक कर लेते हैं, और ये 4.2, ये देखिए 4.2, तो हमको इसको निकालना है और इसको हमको हाइड्रोलिक जैक या फिर मेरे पास जो जैक है इसमें लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमको निकालना है इसको। तो यहाँ से देखिए मैं ये शाफ्ट खोल चुका हूँ और वैसे ही ठीक ये कितना इंच का है हम चेक कर लेते हैं। देखिए 7 इंच का है, तो 7 इंच का शाफ्ट हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा 7 इंच का शाफ्ट है, ये देखिए पूरा सेम है और इसमें हम मार्क करेंगे 4.2 mm, मतलब 42 mm हम यहाँ पे मार्क करेंगे 4.2। तो यहां से हम चेक कर लेते हैं कितना mm तक परफेक्ट हुआ है, ये देखिए तो यहां से हम चेक कर लेते हैं पूरा परफेक्ट हुआ है। तो यहाँ से हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से इसको फिटिंग कर चुका हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से हमारा शाफ्ट बिल्कुल सही से फिटिंग हो चुका है, हमारा यहाँ पे बूस्ट और ये शाफ्ट दोनों नया लगा चुका है, मतलब इसमें फिट पूरा प्रॉपर तरीके से होने वाला है। तो यहाँ से एक यहाँ पे है हम लगा लेते हैं, पीछे से एक नया वाला हम इसमें लगाएंगे। तो दोनों तार इस पोजिशन में हमको निकालना है, तो हम इसमें भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा लंबा चाहिए और यहाँ से निकालोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ से आपको थोड़ा पीट लेना है ताकि ये फिक्स हो जाए। ओके, पीछे से हमारा यहाँ पे ये फिक्स हो गया। अभी दोस्तों थोड़ा ऑयल हमको इसमें घूस में देना है और यहाँ से इसको लगाना है। तो नहीं जा रहे तो पीछे ऐसे आपको अंदर घूस में लगाना है, सीधा कर लेना है घूस को थोड़ा, दोबारा हम इसको लगाएंगे। दोबारा खोलेंगे, तो हमारा यहाँ पे अंदर जा चुका है और हमको ये चेक करना है कि ये जो कोर में हमारा रोटर सेम बैठा या नहीं बैठा। देखिए बहुत नीचे जा रहा है तो इसलिए हमको दोबारा खोलना है और इसमें हमको लगाना है वाशर। ओके, इसको मैं खोल लिया और यहाँ पे 3
छः वाट्सअप मैं इसमें दिया हूँ और इसको लगाना है दोबारा, बहुत गैप था। और दो खाएगा, चलो ये हो जाएगा बराबर, हमारा ये कोर में आ गया। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, उसके ऊपर में ये लगाना है, फिर इसमें हमको ये ऊपर वाला कवर लगाना है जो बूस्ट होता है। थोड़ा ऑयल हमको इसमें देना पड़ेगा, चलो बराबर हमारा यहाँ पे ऊपर वाला भी कवर हमको यहाँ पे लगाना है। और यहाँ से भी हमको चेक करना है कि कितना खाने वाला है वाशर, अगर सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर नहीं तो हमको दोबारा खोलना पड़ेगा और इसमें लगाना पड़ेगा वाशर। तो बहुत गैप है तो इसलिए हमको मतलब यहाँ से हमको चेक करना है कितना वाशर लगेगा। चार वाशर इसमें दोबारा हम लगाएंगे खोल के इसको, ऐसे तीन वाशर हम देंगे। तीन वाशर हम इसमें देंगे क्योंकि टाइट भी होने वाला है, टाइट होगा तो ये परफेक्ट होगा। तो अभी हम इसमें इसको डायरेक्ट स्क्रू टाइट करेंगे, दो स्क्रू टाइट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा टाइट हो रहा है या वाशर निकलेगा, फिर या फिर वाशर देंगे हम। ओके तो हमारा यहाँ पे पूरा परफेक्ट तरीके से फिटिंग हो चुका है, कोई भी दिक्कत हो रहा है थोड़ा फिट लीजिए, कोई भी थोड़ा साइड में थोड़ा ये हो रहा है, बट ये पूरा स्मूथली घूमना चाहिए और स्मूथली मैं थोड़ा इसमें एडजस्ट ये किया, थोड़ा वाशर में एडजस्ट इधर उधर हो रहा था, और यहाँ पे देखिए पूरा थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, ठीक है थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, इतना ही रहना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत करेगा। और ये स्मूथली पूरा घूमना चाहिए, फिर आपका मशीन में सॉरी आपका ये फैन में स्पीड आएगा, स्पीड ठीक होगा, हीट नहीं होगा और लॉन्ग लास्टिंग करेगा। तो यहाँ का थोड़ा प्रॉपर तरीके से टाइट कीजिएगा इसको, आप इसको एडजस्ट मत कीजिए कि इसको इतना ढीला रखना है, इसको इतना टाइट रखना है, अगर आप परफेक्ट फिटिंग की हो उसको पूरा बराबर टाइट करना चाहिए आपको, और हो भी जाएगा कोई इशू नहीं, पूरा टाइट लेकिन चारों तरफ से आपको टाइट करना है, फिर आपका ये मशीन आपका ये फैन पूरा सही तरीके से घूमेगा, वर्क भी करेगा। अब इसको पूरा टाइट कीजिए ये ढीला हो जाएगा, फिर इसको टाइट कीजिएगा ये ढीला होगा, इसको ऐसा नहीं, आप चारों तरफ घुमा के थोड़ा थोड़ा टाइट कीजिएगा ऐसे, और ये पूरा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ओके पूरा देखिए पूरा स्मूथली घूम रहा है, और यहाँ पे गैप देखिए इतना ही गैप है, इतना ही गैप रहना चाहिए, पूरा गैप पूरा टाइट मत कीजिए, आप पूरा सेट करके वाशर मत दीजिए, इतना गैप रहेगा तो सही से घूमेगा। तो यहाँ से हमारा 5 लीटर निकला है, दो ब्रेड वाला इसमें हमारा कैपेसिटर वाला लगेगा, और तीनों यहाँ पे हमारा 3 स्पीड है, तो यहाँ पे हम दो पॉइंट में ये रेड वाला पॉइंट में दोनों कैपेसिटर लगा लेते हैं। ओके तो यहाँ से हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो चुका है, ये पूरा स्मूथली घूम रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। और यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं आपको बताया इसमें ग्रीन वाला 3 टो और रेड वाला 2 टो, तो यहाँ पे जो दो पॉइंट है इसमें हमारा कैपेसिटर 4 mFd का लगेगा, ये देखिए ओके 4 mFd कैपेसिटर लगेगा, तो इसको हम छेड़ लेते हैं, और इसमें कॉमन क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेफ्ट या राइट कौन सा हमको डायरेक्शन में मिल रहा है कौन सा कॉमन वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हम उसको कटिंग कर लेते हैं, ओके तो यहाँ से सबसे पहले हम सीरीज में टेस्ट करेंगे घूम रहा है नहीं घूम रहा है, वो सीरीज में देखेंगे। तो यहाँ से हमारा ये सीरीज कनेक्शन है, कंटिन्यूटी दिख रहा है बट घूम नहीं रहा है, तो हम सप्लाई देंगे।
तो यही पॉइंट हमारा कॉमन कमाना है, ये क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तो ये इस पॉइंट में हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, तो हमारा ये वाला कमान है, तो इसमें हम इस कवर लगा लेंगे, एक यहाँ से इसको लगा लेते हैं। ओके, तो हमारा ये फिटिंग हो चुका है।